आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। क्या कर रही है सही? पहले घर वाले तेरे पीछे हाथ भूखे पड़े रहते हैं, और अगर तू अम्मे को फंसाने के लिए चलती तो तुझ पे ही तो भड़केंगे ना, मैं खुद देख लूंगी। अरे बुआ जी, जब आपने मेरा साथ देते मैं ये नहीं सोचा कि वो लोग आप पे भड़केंगे, तो फिर मैं क्यों सोचूं? छोड़। अरे आप कहाँ जा रही है? आप यहाँ बैठिए, अब सब आपके सामने होगा। सही तो मत कर। रुको ना बुआ जी। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो। हेलो अमय। या हुजर। मैं सई, शिवानी बुआ के साथ आज आपको मिली थी। सई तुम? हाय। हाय। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा नंबर तुम्हारे पास चोरी किया शिवानी बुआ के मोबाइल फोन से। क्यों? आपसे बात करनी थी। क्यों आपको बुरा लगा? आपको बुरा लगा हो तो मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बोलो ना। सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट। वैसे मुझे ना आपसे आज मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको? मुझे? आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। वैसे मुझे आपका मेरा क्या? मुझे ना आपका स्टाइल, आपकी स्माइल, आपकी पर्सनालिटी, और जिस तरीके से आप शिवानी बुआ से प्यार जता रहे थे और उनको गले लगाया, मुझे तो इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं, कितना अच्छा लगा। मुझे तो लगा कि हाय काश मेरे पास भी आपके जैसा कोई हैंडसम, कोई डैशिंग और कोई प्यारा, काश कोई आपके जैसा होता जो इतनी केयर करता, इतना प्यार करता। इसलिए मैं तो रह ही नहीं पाई, चुपके से शिवानी बुआ के कमरे में गई और उनके फोन से आपका नंबर चुरा लिया। लेकिन अब शिवानी बुआ को तो नहीं बताएंगे ना? ऑफ कोर्स, पागल थोड़ी हूँ। पागल? पागल तो मैं हो गई हूँ आपको देख के। वैसे तो पागल मैं भी हो गया था तुम्हारी वो धमकी सुनकर। सही धमकी दी थी ना? वो तो मुझे गलत फहमी हो गई थी। I'm sorry. अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी वाली क्या बात है। लेकिन हाँ, जिस अंदाज में तुमने धमकी दी थी वो मुझे अच्छी लगी। सच? मुझ? So sweet. अमे, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल करूँगा। तो फिर क्या हम कल शाम को वहीं मिले जहाँ आज मिले थे? ओके डन। 2 बजे कॉफी शॉप। इसको सबक सिखा, सो स्वीट, थैंक यू। अमे प्लीज, शिवानी बुआ को ये सब मत बताना। हाँ आप समझ रहे हो ना? ऑफ कोर्स। लेकिन आपकी भी दाद देनी पड़ेगी। आप मुझसे आज पहली बार मिले और पहली बार में आपने मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए इनवाइट कर लिया अपनी गाड़ी में। मुझे लगा जितना ज्यादा उतना फायदा, नहीं? अमे पता है, जोड़ी ना हमेशा 2 में होती है, उससे ज्यादा तो भीड़ होती है, और मुझे ना तुम्हारे साथ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। मुझे तो तुमको और खुद को भीड़ से अलग करना है। मतलब? जितने हैंडसम हो ना उतने ही भोले हो। मेरा मतलब ये था कि बुद्धू, तुम्हारी गाड़ी के पीछे जो S लिखा है ना, वो S फॉर शिवानी की जगह S फॉर सही नहीं हो सकता? क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? बिल्कुल, तुम और मैं एकदम परफेक्ट जोड़ी है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि शिवानी बुआ तुम्हारे लिए उम्र में थोड़ी
पढ़ी हैं। वैसे तुमने मुझसे ये क्यों सवाल पूछा? अब नहीं, वो तो इसलिए ना क्योंकि तुम इतने यंग, हैंडसम और कुमारे हो। बुआ जी का तो दो बार डिवोर्स भी हुआ है ना, इसीलिए। हाँ वो तो है, लेकिन तुम भी तो शादीशुदा हो। हाँ मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम तो शादीशुदा नहीं हो ना, या शादीशुदा हो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।